हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मेरा ये मिक्सर ग्राइंडर, मतलब कि वैसे जब मैं इसमें मसाले वगैरह या कुछ भी पीसती हूँ तो उतना मैं साफ उस वक्त नहीं कर पाती हूँ, बस ऊपर ऊपर से कपड़ा मार देती हूँ। तो मैं ऐसा अक्सर करती हूँ, जैसे 15 दिन 1 महीने में इसकी डीपली क्लीनिंग। इस जैसे दोपहर में तो हम हाउसवाइफ को टाइम मिलता ही है, तो अभी मैं यहाँ पे निकाल लिया है मैंने मिक्सर को, और इसको मैं थोड़ा सा जो बारीक बारीकी से साफ करना होता है, जो मतलब कि आप मिक्सर में रहता है ना छेदा छेदा जो होता है, उसमें गंदगी काले काले से धूल से जम जाती है, तो उसी को साफ़ करने के लिए इस मिक्सर ग्राइंडर को मैं बाहर लेकर इसलिए आई हूँ। वैसे तो किचन में ही साफ़ कर रही थी मैं, लेकिन मेरे दोनों बच्चे बाहर, जो मेरा घर के बाहर का जो प्लॉट खाली है वहाँ पर और भी बच्चे हैं उनके साथ, तो वो लोग खेल रहे हैं, और इसीलिए मैं बाहर लेकर आई हूँ क्योंकि दोनों बच्चों पे नज़र भी रख सकूँ और ये बैठे बैठे मिक्सर ग्राइंडर भी मेरा साफ़ हो जाए। तो बार बार मैं उन्हीं लोग को देख रही हूँ, तो वो लोग खेल रहे हैं बाकी बच्चों के साथ, और इसके बाद फिर मैं बाकी के और घर का काम करती हूँ। तो वैसे ही अगर हम कपड़ा से पोंछते हैं तो अंदर इतना बारीकी से जो रहता है उसमें कपड़ा नहीं जा पाता है। तो ये मेरा किचन का ब्रश है जो हम लोग दाल साफ़ करते हैं, वो मैंने एक तो नया, वो किचन में ही रहता है जिससे मैं अभी मिक्सर साफ़ कर रही हूँ, वो किचन के लिए ही है। जैसे कुकर वगैरह गंदा हो जाता है तो उसमें हम लोग का नहीं उतना अंदर तक साफ़ कर पाते हैं, तो इस ब्रश से मैं साफ़ करती हूँ। और ऐसी जैसे मिक्सर हो गया तो इस ब्रश बहुत ज़्यादा काम आता है इस ऐसे सिचुएशन में जहाँ हम लोग बारीकी से साफ़ नहीं कर पाते हैं। और मैंने कपड़ा थोड़ा सा, बहुत हल्का सा गीला कपड़ा है, उसको मैं ऊपर ऊपर पोंछ लेती हूँ, और जब बारीकी से साफ़ कर ही रही हूँ तो ये जो तार है वो लगे हाथ, इस तार को भी मैं साफ़ करने लगती हूँ। और आप सभी के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं जब इस मिक्सर में कुछ मैं पीसती हूँ, तो आप कहते हो कि बहुत अच्छा है आपका मिक्सर। तो ये मिक्सर मेरा बहुत पुराना है, करीब 5 साल हो गए हैं इस मिक्सर को लिए हुए। और जब ये मिक्सर मैंने लिया था ये 1200 का था, और जिस साल हमने लिया था उस टाइम मतलब कि 1200-1500 के इतने कम दाम में मिक्सर ग्राइंडर नहीं मिलते थे, क्योंकि उस समय, आजकल तो ऑनलाइन काफ़ी अच्छे अच्छे 1000 या फिर 1500 तक के बहुत अच्छे अच्छे मिक्सर ग्राइंडर मिल जाते हैं ऑनलाइन, और दुकान में भी मिल जाते हैं। लेकिन जब हमने ये लिया था, ये वैसे कोई ब्रांड का नहीं है, ये लोकल ब्रांड का है, और 1 साल हमें वारंटी मिला था। तो अभी तो ये 5 साल चल गया है और इसमें कुछ भी ख़राबी नहीं हुआ है, और इतने साल से मैं यूज करती हूँ, ना ही ये एक बार ख़राब हुआ है ना ही कुछ होता है। बस इसके जार जो होते हैं उसका ब्लेड टूट जाता है तो वो चेंज कराना पड़ता है, वो तो हर मिक्सर के साथ होता है, जैसे बड़े बड़े ब्रांड का ले लो या फिर कोई भी ब्रांड का। और अभी बस मैंने जैसे कहा कि ये बाहर खेल रहे थे दोनों बच्चे, तो इनका टाइम हो गया है पढ़ने का, और मैं इनको एक, मुझे ये भी कमेंट आते हैं कि आप बच्चों को पढ़ाती हो, तो मैं इनको पढ़ाती हूँ खुद से भी, नहीं तो फिर जो स्कूल में रहता है या फिर ट्यूशन में रहता है वही चीज़ बैठ के थोड़ा सा समझाती हूँ। तो अभी तो बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, और मेरा ये सिस्टम है कि इन बच्चों का, दोनों को इनका एक टाइम है, फिक्स टाइम है, उसी टाइम में इनको दोनों को लेके बैठती हूँ। और ये बहुत अच्छी बात ये होती है कि अगर हम लोग फिक्स टाइम रखें बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो बच्चों के मन में भी रहता है कि अब मेरा पढ़ाई का टाइम हो गया है, मैं कभी इन लोग को 10 बजे या फिर 11 बजे कभी भी ऐसे नहीं पढ़ाती हूँ। तो ये जो शाम का समय होता है 4 बजे, मेरा ये फिक्स टाइम है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो 4 बजे या फिर अगर जैसे कि अगर ट्यूशन ये जाते हैं 3 बजे, अगर 4 बजे आ जाते हैं तो उस वक्त नहीं पढ़ाती हूँ, आधा घंटा या 1 घंटा इन लोगों को खेलने के लिए देती हूँ, उसके बाद फिर 5 बजे बिठाती हूँ पढ़ने के लिए, और जल्दी ये लोग ट्यूशन से आते हैं तो फिर थोड़ा सा जल्दी कर देती हूँ। लेकिन अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं
तो वैसे तो 6 बजे तक पढ़ाती हूँ, लेकिन एग्ज़ाम के समय आधा घंटा या 1 घंटा ओवर हो जाता है इनके साथ। बस मैं बैठती हूँ और थोड़ा सा समझा भी देती हूँ, और बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह मैं देख रही थी यहाँ पर, उन लोग के क्वेश्चन पेपर मैं देख रही थी कि क्या क्या लिखा है बच्चों ने और क्या क्या नहीं लिखा है। उसके बाद मैं किचन में आकर, और आज मुझे बनाना है ब्रोकली की सब्ज़ी। तो वैसे अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो बच्चों के पास आज और जब तक एग्ज़ाम चलेंगे तब तक मैं थोड़ा मतलब कि 1.5 घंटे 2 घंटे भी लग जाते हैं उनके पास बैठती हूँ। आदित्य अभी 3 क्लास में पढ़ता है और आशी प्रेप क्लास में पढ़ती है, तो थोड़ा सा उनके रिवीजन में चेक करती हूँ, वो लोग याद करते हैं तो मैं सुनती हूँ, तो इस चक्कर में लेट हो ही जा रहा है अभी। तो अभी आपने सुना कि क्या बच्चों ने यहाँ पर फरमाइश किया है। वैसे ही ब्रोकली की सब्ज़ी मैं बनाने जा रही थी बिना आलू डाले। इसमें आज मैं ब्रोकली और मटर की सब्ज़ी बनाने के लिए आई थी, लेकिन फिर बच्चों की वजह से आप समझ सकते हो कि बच्चों को आलू कितना अच्छा लगता है। हरी सब्ज़ियाँ खाने के नाम पर उनको बुखार आता है, और अभी जैसे कि इन्होंने कहा कि आलू डालेंगे तो खाएंगे, तो फिर इसमें मुझे आलू डालना ही पड़ेगा। और फिर सब्ज़ी जब बनती है तो उनके साथ भी मैं हरी सब्ज़ियाँ मिक्स करके दे देती हूँ, उनको चलता है, लेकिन आलू बस होना चाहिए। तो यहाँ पर बस बच्चों ने कहा कि मटर छीलना है तो वो लोग छीले नहीं। क्या हुआ था ना कि वो लोग कार्टून देख रहे हैं पढ़ाई करने के बाद, और उनका फेवरेट कार्टून चल रहा है, तो इस वजह से ब्रेक आया हुआ था, तो यहाँ पर आ गए थे बच्चे। वरना जैसे ही ब्रेक ख़त्म हुआ, पहले आसी गई, उसने बता दी अपने भैया को, और वैसे मटर छील रहे थे, मटर उन्होंने छीला और उसके बाद फिर वो चले गए। तो यहाँ पर मैं टमाटर काटने लगी हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 2 आलू लिया है और उसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काटा है, और बाकी की जितनी भी सब्ज़ी बनाने की तैयारी होती है उतना मैंने कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पर आटा को मैं चाल रही हूँ, और यहाँ पर अब मैं ब्रोकली की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है, और पहले मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो कम तेल लिया है, करीब 2 चम्मच इतना, 2 या 3 चम्मच मैंने यहाँ पर तेल लिया है। उसके बाद मोटे मोटे टुकड़ों मैंने अदरक काट लिया करीब 1 इंच, और मैंने इसमें कुछ लहसुन की कलियाँ और हरी मिर्च मैंने इसमें डाला है, और उसके बाद थोड़ा सा इसको मिला के मैंने थोड़ा सा भून लिया है सुनहरा होने तक। और अब मैं इसमें थोड़े से मोटे मैंने प्याज काटे हैं, और इनको भी थोड़ा सा जब तक ये मुलायम ना हो जाए तब तक मैं इसको चलाते रहूँगी। इसको मैं बिल्कुल भी ब्राउन नहीं कर रही हूँ, जैसे हम लोग फ्राई करते हैं प्याज को, वैसे नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा सा इसको सॉफ्ट कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पर 2-3 थे छोटे छोटे टमाटर, वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं, और इसको मैंने ढक दिया था ताकि जल्दी से ये पक जाए। अब इन सभी चीज़ों को एक मिक्सी की जार में मैं रख रही हूँ, और इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी, उसके बाद मैं इसको पीस लूँगी। और अभी यहाँ पर मैंने कढ़ाई साफ़ करके, और फिर से मैंने 2 या 3 चम्मच तेल लिया है, इसमें मैंने हींग डाला है थोड़ा सा, और उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच जीरा डाला है। जैसे ये जीरा वगैरह तरक जाएगा उसके बाद मैंने जो पीस लिया है मसाले को उसको मैं डाल दूँगी, और इस मसालों को हम जब तक पकाएँगे ये तेल छोड़ ना दे तो ये मसाला बहुत जल्दी पक जाएगा, क्योंकि आधा तो हमने पहले ही से पका लिया है। और मैंने उसके बाद 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाला है, और 1 चम्मच मैंने धनिया का पाउडर डाला है। लेकिन अभी मैं इसमें एक मिस्टेक ये करती हूँ कि मैं यहाँ पर हल्दी पाउडर डालना भूल जाती हूँ, और इसको भून लेती हूँ इस मसाले को अच्छे से जब तक इसमें तेल अलग ना होने लगे। तो इसमें मुझे अभी नहीं ध्यान था कि मैंने हल्दी नहीं डाला है, बाद में मुझे पता चलता है। भैया
तो यहाँ पर आपने देखा आसी आई है और उसको पोयम याद नहीं हुआ था, तो मैंने ही कहा था कि अभी तुम पोयम थोड़ा सा बस एक दो लाइन मिस्टेक कर रही थी, तो मैंने कह दिया था कि किताब लेके बैठ जाओ, भैया से पूछ लेना जो समझ में नहीं आता है। तो मसाला यहाँ पे भून चुका था और उसके बाद मैंने कटे हुए ब्रोकली को डाल दिया है, आलू मैंने डाल दिया एक कटोरी छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर, और एक कटोरी मैंने मटर डाला है। और जब इन सभी चीज़ों को मैं मिक्स करती हूँ, तो वैसे तो जब मैंने मसाला भुना तो मुझे इतना नहीं पता चला कि मैंने हल्दी ही नहीं डाला है, और जब इस सभी चीज़ों को मिलाती हूँ तो मैंने देखा कि अरे ये तो रेड रेड दिख रहा है और येलो नहीं दिख रहा है, तो हम जैसी हाउसवाइफ को पता चल जाता है कलर का फ़र्क। तो अब इसमें मैं हल्दी डाल रही हूँ एक चम्मच। तो मेरे साथ होता है कभी कभी ही होता है कि हल्दी नहीं डालती हूँ, कभी तो मैं ज़्यादातर नमक भूल जाती हूँ, मेरे साथ हमेशा होता है कि नमक मैं भूल जाती हूँ। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे साथ भी और लेडीज़ होंगी जो छोटी मोटी चीज़ें सब्जी में डालना भूल जाती हैं। तो ये देखिए मैंने सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है अच्छे से। अब इस मटर को पकाने के लिए, आलू को पकाने के लिए मैंने इसमें करीब एक कप इतना पानी डालकर और छोड़ दिया है मीडियम आंच में करके, और इसको हम जब तक पकाएंगे मतलब कि मटर हमारा पक ना जाए, हम लोग छू के भी देखेंगे कि मटर जब तक पका नहीं है, क्योंकि ब्रोकली तो बहुत जल्दी पक जाता है, आलू मैंने छोटे छोटे काटे थे वो भी बहुत जल्दी पक जाएंगे, लेकिन मैंने अभी हाथ से चेक किया कि मटर पक गए हैं काफ़ी अच्छे से, और ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है पराठा के साथ। इसीलिए वैसे तो ब्रोकली की सब्ज़ी सूखी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन पराठा के साथ थोड़ा सा रसेदार सब्ज़ी अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने इसमें एक कप इतना पानी डाला था। तो सब्जी बनाने के बाद यहाँ पर मैं पराठे बनाने लगती हूँ, तो यहाँ पर पराठे भी बन गए हैं, और उसके बाद अब मैं सभी के लिए खाना परोसती हूँ, यानी कि बच्चों के लिए और अपने हस्बैंड के लिए। तो मुझे बहुत पसंद था कि ब्रोकली और मटर बनाऊंगी, लेकिन बच्चों की वजह से मैंने इसमें आलू ऐड किया है, लेकिन आलू डालने से और ज़्यादा टेस्ट बढ़ गया है। और ये जो कटोरी में दाल देख रहे हो ये मैंने दोपहर में बनाया था, और ये दाल है कुल्थी की दाल, जो कि हमारे साइड विंटर में खासकर बहुत ज़्यादा खाया जाता है, गर्मियों में इसे नहीं खाते हैं इतना जितना सर्दियों में खाते हैं, क्योंकि इस कुल्थी की दाल में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है इस वजह से। और अभी हम लोग खाना खा रहे हैं, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।